तो सीआईडी के इंस्पेक्टर पंकज और इंस्पेक्टर पूर्वी और इंस्पेक्टर श्रेया सबसे यंग सीआईडी इंस्पेक्टर माने जाते हैं। सीआईडी के सीजन वन में साल 2011 के आसपास पंकज की एंट्री हुई थी और तभी ही हमें इंस्पेक्टर पूर्वी की एंट्री भी देखने को मिली थी। उसके कुछ समय बाद ही इंस्पेक्टर श्रेया की एक ज़बरदस्त एंट्री भी हमें देखने को मिली। सीआईडी के सीजन वन से ही इंस्पेक्टर श्रेया की लव स्टोरी हमें दया सर के साथ देखने को मिलती रहती है और सीआईडी के सीजन टू में भी श्रेया की लव स्टोरी हमें दया सर के साथ ही देखने को मिलेगा। लेकिन पंकज और पूर्वी का क्या? क्या पूर्वी की लव स्टोरी हमें पंकज सर के साथ देखने को मिलेगी या फिर पंकज की लव स्टोरी श्रेया मैम के साथ देखने को मिलेगी? तो दोस्तों घबराइए नहीं, सारे जो उलझन है उसको मैं अभी सुलझा दूंगा, क्योंकि सीआईडी के सीजन टू में दोस्तों पंकज जो है उसकी लव स्टोरी हमें पूर्वी मैम के साथ ही देखने को मिलेगी। लेकिन सीआईडी के सीजन टू के एक दिलचस्प एपिसोड में एक हमशक्ल आने वाला है पंकज का, जो कि दिखने में हूबहू पंकज की तरह ही दिखता है, लेकिन इसका जो बिहेवियर है, इसका जो रवैया है, वो पंकज के बिल्कुल उलट है। पंकज जो है वो मस्ती करता है, हंसी मजाक करता है, लेकिन ये जो दूसरा पंकज है ये काफ़ी स्ट्रिक्ट है, किसी से बातचीत नहीं करता, किसी से ज़्यादा घुलता मिलता नहीं, और श्रेया को पटाने के लिए ये पंकज तैयार है। देखते हैं आगे क्या होगा।